ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्स यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चन लेने वाला हूँ महाराष्ट्र सीटी के, एमएसटी सीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगा सकते हैं, किस तरीके से हम लोग अगर एग्जाम में सीधे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो किस तरीके से हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करके तुक्का लगा सकते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है सिखाने वाला हूँ, ठीक है? तो जल्द से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके आर्स कट का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, क्या आपका एमएसटी सीटी में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है? क्या आपको नीड है कम टाइम में अपने स्कोर को बढ़ाने की, 120, 130, 140 प्लस लेकर के जाने की? और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि चीज आप किस तरीके से कर सकते हो तो आपको अब टेंशन लेने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। हमारे एक्सक्लूसिव लास्ट मिनट ट्रिक्स कोर्सेज से आप सीखोगे किस तरीके से आप कम टाइम में अपने स्कोर को बूस्टअप कर सकते हो, कम टाइम में एंड मोमेंट में किस तरीके से अपने परसेंटाइल को बढ़ा सकते हो, ये आप लोगों को सिखाया जाएगा विद सारे फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिक्स, विद लेटेस्ट पेपर में एप्लीकेशन, 2021 के पेपर में सारे के सारे पेपर में आपको जो है ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा के फुल पेपर ऑन स्पॉट दिखाया जाएगा कि किस तरीके से आपने स्कोर को बढ़ा सकते हो। अगर आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी, आपकी हालत बहुत खराब है, तो भी सिर्फ और सिर्फ तुक्का ट्रिक्स के बेसिस पर आप किस तरीके से 60-70 नंबर लेकर के आ सकते हो, ये भी चीजें आप लोगों को दिखाई जाएंगी। तो नो मैटर व्हाट आपकी सिचुएशन है, क्या आपकी सिचुएशन है, आप अपने स्कोर को बूस्टअप कर सकते हो इन कोर्सेज के थ्रू। हमारे पास में 1.0 कोर्स है जिसके अंदर में आपको सारे फंडामेंटल्स एंड कुछ एप्लीकेशंस लेटेस्ट पेपर्स में आपको दिखाए जाएंगे। हमारे पास में 2.0 कोर्स है जिसके अंदर में आपको लास्ट ईयर 2021 के सारे शिफ्ट्स के ट्रिक्स, ऑन स्पॉट ट्रिक्स आपको फुल पेपर के अंदर में दिखाए जाएंगे। और आप चाहो तो हमारे कॉम्बो कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो जो कि काफी ज्यादा अफोर्डेबल है एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स कॉम्बो कोर्स के अंदर में एनरोल करते हैं। उसके अंदर में आपको 1.0 एंड 2.0 दोनों के फीचर्स जो है एक साथ आपको मिल जाएंगे। अगर आप पीसीएम हो तो आप पीसीएम वाले कॉम्बो कोर्स में एनरोल करोगे, अगर आप पीसीबी के बच्चे हो तो आप पीसीबी के कॉम्बो कोर्स में एनरोल करोगे। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स बढ़िया तरीके से दिए हुए होंगे। आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक भी मिलेगा हमारी टीम का, उस पर आप एक क्लिक करोगे, हमारे टीम को आप व्हाट्सएप करोगे, आपके कोई भी छोटे मोटे क्वेरीज है आप उनसे पूछ करके एनरोलमेंट कर सकते हो। राइट, एनरोलमेंट करने के बाद में आपको सही डिटेल्स फिल करके एनरोल करना है। उसके बाद में आपको एक घंटे के अंदर अंदर एडमिशन ईमेल आ जाएगा एंड कुछ घंटे के अंदर अंदर आपको कोर्स जो है वो डिजिटली सेंड कर दिया जाएगा। अगर आप 2.0 या फिर कॉम्बो कोर्सेज में एनरोल होते हो तो आपको 3-4 घंटे के अंदर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी एनरोल किया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको ऐड किया जाएगा जिसके अंदर में आपको सारे के सारे 2021 के PYQs दिए जाएंगे एंड आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करे जाएंगे एंड जब भी जीमीट सेशंस होगा तो आप जीमीट सेशंस में आकर के मेरे साथ इंटरेक्ट कर पाओगे। तो सारे के सारे फीचर्स का फायदा उठाने के लिए आपको रिकमेंडेड है कि आप कॉम्बो कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। बाकी कोई भी आपको अगर क्वेरी होती है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक है व्हाट्सएप का उसको क्लिक करो, हमारे टीम को मैसेज करो एंड उनसे आप कोई भी क्वेरी होती है तो पूछ लो। बट ये कोर्स बहुत ही ज्यादा रिकमेंडेड है अगर आपको स्कोर बढ़ाना है कम टाइम में, और जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं एमएसटी सीटी 2022 के, जरूर से मेक श्योर करना कि इस कोर्सेज का फायदा आप लोग उठा लो। तो देखो, और यहाँ पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिया है महाराष्ट्र सीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। महाराष्ट्र सीटी 2019 के क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग तुक्का लगा सकते हैं, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स कैसे लगा सकते हैं, ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग किस तरीके से कर सकते हैं। फिजिक्स के हम लोग क्वेश्चंस देख रहे थे बैक टू बैक, आपने पिछले कुछ एपिसोड्स में फिजिक्स के क्वेश्चंस देखे। यहाँ पर दोबारा से मैं फिजिक्स के 4 क्वेश्चन लिया हूँ जहाँ पर हम यहाँ पर आपके साथ में लगाएंगे तुक्का, और तुक्का लगाने की यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिलेगा, तो वहां पर जाकर के आप पास्ट के सारे एपिसोड्स जो भी अपलोड हुए हैं वो आप देख सकते हो, और फ्यूचर में आने वाले सारे एपिसोड्स भी आपको जो है प्लेलिस्ट के अंदर में अपडेट होते हुए दिख जाएंगे। साथ में अगर आपका एमएसटी सीटी में कम दिन बचा हुआ है, 2-3 दिन, 1 दिन, 4 दिन, जो भी आपके पास में टाइम बचा हुआ है, आप एक्सक्लूसिव कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। एक्सक्लूसिव कोर्सेज आप 7-10 घंटे में कंप्लीट कर लोगे, वॉच करना, ठीक है? आप 2x के स्पीड में भी देख सकते हो, स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा उससे इंप्रूवमेंट दिख रहा है और ट्रिक्स 2022 के एमएसटी सीटी में भी बहुत ज्यादा काम आ रही है, ठीक है? तो अगर आपके पास में 1-2 दिन भी बचा हुआ है कम से कम, ज्यादा बचा है तो और बढ़िया बात है, आप एक्सक्लूसिव कोर्सेज में ज्वाइन करके अपना इंप्रूवमेंट कर सकते हो, राइट? और आपको बहुत इंस्टेंटली 1 घंटे के अंदर अंदर जो है वीडियोस वगैरह डिजिटली सेंड कर दिए जाएंगे एंड आपको एडमिशन ईमेल भी पेमेंट करने के बाद में 20-25 मिनट के अंदर में आ जाता है, राइट? सो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, एक्सक्लूसिव कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हो तो आप ज्वाइन करो। बाय चांस कोई बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता है तो आप टेंशन मत लो, यूट्यूब पे जो वीडियोस है वो तो आती रहेंगी, वो भी आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है, लेकिन कोर्स के थ्रू एक माइंडसेट डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। सारी चीजें आपको प्लस माइनस सब समझ में आ जाती है, सारे थ्योरी, सारे एप्लीकेशन, सारे लेटेस्ट पेपर्स उसके अंदर में कवर हो जाते हैं। 2021 के सारे लेटेस्ट पेपर्स जो है कोर्स के अंदर में कराए हुए हैं, तो उससे कॉन्फिडेंस बूस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है।
जाता है बच्चों का एंड उससे एक इम्पैक्ट जो अच्छा देखने को मिलता है। बट यूट्यूब पर भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे, बहुत सारे एपिसोड्स अभी यूट्यूब पर भी आने वाले हैं, तो आप यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को प्रेस करके रखो एंड बैक टू बैक आप जो है वीडियोस एमएसटी सीईटी के अभी देखोगे अगले कुछ दिन, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग इन चार क्वेश्चंस में तुक्का लगाने वाले हैं। आप देखो ध्यान से, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है तो यहाँ पर हमारा क्या लगेगा, एक्सट्रीम ऑप्शन का फंडा लगेगा। अगर आप बैक टू बैक मेरे एपिसोड्स देख रहे हो तो आपको एक्सट्रीम ऑप्शन के फंडे के बारे में बताया है और एक्सट्रीम ऑप्शन का फंडा बच्चों का फीडबैक आ रहा है 2022 के एमएसटी सीटी में भी बहुत तगड़े तरीके से काम कर रहा है। तो इसमें क्या है, सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा उसको ढूंढो 42, उसको काट दो, ठीक है। सबसे छोटा वैल्यू इनमें से कौन सा है ढूंढो 24, इसको आप काट दो, ठीक है। बीच वाले वैल्यूज कौन से हैं 30 और 36, आप इन दोनों में से तुक्का लगाओ, सही होने के चांसेस आपके ज्यादा होते हैं। तुक्के का मतलब क्या है, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का मतलब क्या है, हम तुक्का लगाते हैं लेकिन तुक्का इस तरीके से लगाते हैं कि हमारे नंबर बढ़े, ठीक है, अच्छे खासे बढ़े। तो हमारा टारगेट ये होता है कि आउट ऑफ एवरी 10 क्वेश्चंस 4 to 5 क्वेश्चंस हमारे सही हो जाएं, है ना। 50% क्वेश्चंस हम कोशिश करते हैं सही करने के। तो जैसे यहां पर हम चार क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे चार में से दो हमारे सही हो जाएं, राइट। तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो एक्सट्रीम ऑप्शंस में सबसे बड़ा वैल्यू 42 को काट दिया, सबसे छोटा वैल्यू 24 को काट दिया, बीच वाले में से तुक्का लगाया। इसका रीजन क्या है, कई बार बताया दोबारा से बताता हूँ, जो भी टीचर है ना जो क्वेश्चन बनाता है जो ऑप्शन बनाता है वो अपने करेक्ट आंसर को कहीं ना कहीं बीच में छुपाने का ट्राई करता है, कोने में नहीं रखता। 10 में से 7-8 बार आप ऐसा देखोगे कि जो करेक्ट आंसर है वो आपको बीच में मिलेंगे, कोने में नहीं मिलेंगे। बीच में रखने से क्या होता है ना, टीचर को लगता है कि हाँ आंसर जो है वो छुपा हुआ है ना, इजीली विजिबल नहीं है। कोने में रखने से लगता है आंसर एक्सपोज हो गया, ह्यूमन साइकोलॉजी है। आप भी कभी अगर ऑप्शंस बनाओगे ना तो आपका भी मन नहीं करेगा ऑप्शंस को कोने में रखने का, आप भी चाहोगे कि बीच में कहीं ऑप्शंस को रख दूं तो वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो इस फायदा उठाते हैं हम इस लॉजिक का, इस थॉट का, इस ह्यूमन बिहेवियर का, और हम बीच वाले ऑप्शंस में से तुक्का लगाते हैं, 10 में से 7-8 बार आपके जो एलिमिनेशन है ये सही हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने आप लोगों को कई बार बताया था अगर आपको ऐसे ऑप्शंस मिल जाए ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स तो ऐसे ऑप्शन से आप दूर रहो। अगर आपको ऐसा मिल जाए ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, है ना, इस टाइप का मिल जाए तो आप ऐसे ऑप्शन को जो है प्रेफरेंस दे सकते हो, ठीक है, क्रॉस कॉम्बिनेशंस, ठीक है। जैसे मान लो आपको दिख जाए प्लस प्लस माइनस माइनस तो ऐसे ऑप्शन से आप दूर रहो। अगर आपको प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसे कॉम्बिनेशंस दिख जाए तो आप इसको तुक्का लगा सकते हो, सही होने के चांसेस आपके ज्यादा होते हैं। उसी तरीके से आप यहां पर देखोगे 1 1 और 0 0 इसको आप नेगलेक्ट कर दो, तुक्का लगाना है तो आप बी और सी में से तुक्का लगाओ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में जो प्रोबेबिलिटी होती है सही होने की वो क्रॉस कॉम्बिनेशंस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा सही होती है, ज्यादा होने की होती है, सही होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्रॉस कॉम्बिनेशन वाले ऑप्शंस की ज्यादा होती है। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? सो एक तो अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तब तो तुक्के की बात ही नहीं आती है, अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तब तुक्का लगाना है, और तब तुक्का कौन सा लगाना है ये समझना बहुत जरूरी होता है। बाकी हो सकता है बच्चे 0 0 और 1 1 मार्क कर दे, उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी कम है, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में ना क्रॉस कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेंगे, एक का कुछ होता है एक का कुछ होता है, तभी तो एक क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग बनता है, वरना तो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही रेयर आपको दिखेगा कि दोनों 1 हो जाए या दोनों 0 हो जाए, ठीक है। तो तुक्का लगाना भी है तो थोड़ा सा स्मार्टली आपको सोच करके तुक्का लगाना रहता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने आप लोगों को एक रेसिप्रोकल का फंडा बताया था यार, रेसिप्रोकल का फंडा बताया था कि अगर आपको ऑप्शंस ऐसे दिख जाए, सपोज कर लो y, x, 1/x, z, अगर आपको चार ऑप्शंस इस तरीके के दिख जाए तो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि x या फिर 1/x में से आप तुक्का लगाओ। चार में से कोई दो ऑप्शन अगर आपस में रेसिप्रोकल होते हैं तो चांसेस बहुत हाई होता है कि उन्हीं में से करेक्ट आंसर होता है। इसका रीजन भी मैंने आपको बताया था, दोबारा से बताता हूँ। जब टीचर एक क्वेश्चन बनाता है तो उसके पास में एक करेक्ट आंसर होता है, उसको 3 इनकरेक्ट आंसर बनाने होते हैं, तो वो सोचना पड़ता है ना 3 इनकरेक्ट ऑप्शंस, तो वो आसान काम नहीं है, उसमें भी सोचने में थोड़ा सा क्या है, थॉट लगता है। तो कई बार टीचर लोग क्या करते हैं ना, एक ऑप्शन उनको पता है उसी को उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल करके एक और ऑप्शन बना देंगे, तो उनका टाइम सेव हो जाता है, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि वो v बाई 2 को या तो रेसिप्रोकल करके 2v बना लिए या तो 2v को रेसिप्रोकल करके v बाई 2 बना लिए, समझ रहे हो आप बात को, 2 को 1/2, 1/2 को 2, वो वाली चीज है। v तो जैसा है वो तो है, क्योंकि फिर वो v नीचे नहीं ले सकते ना, डायमेंशनली गलत हो जाएगा, राइट। तो ये चीज आप समझो कि भाई टीचर कई बार नंबर्स को उल्टा कर देता है, तो अगर उल्टा किया तो उसमें से आप तुक्का लगाओ, सही होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये आपको जो है 10 में से 8 बार कम से कम आपको ये देखने को मिलेगा कि रेसिप्रोकल वाले में से ही आपको आंसर दिखेगा, ठीक है, कभी कभी एक दो बार नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको दिखेगा कि रेसिप्रोकल वाले ही करेक्ट आंसर होते हैं, क्योंकि रीजन यही है, टीचर जब ऑप्शन बनाता है तो वो करेक्ट आंसर को उल्टा कर देता है, उल्टा करके एक और ऑप्शन बना देता है, तो कि उसका क्या काम आसान हो जाता है ऑप्शन बनाने का, ठीक है ना। तो इसलिए रेसिप्रोकल वाले अगर आपको दिख जाए तो उसमें आप तुक्का लगाओ, सही होने के चांसेस आपके हैं। फिर यहां पर हमारा वापस से एक्सट्रीम का फंडा काम कर लेगा। तो एक्सट्रीम का फंडा जरूरी नहीं है कि आपका न्यूमरेटर में ही काम करे हर बार, जैसे यहां पर काम किया, आपका डिनोमिनेटर में भी काम कर सकता है। जैसे यहां पर आप देखोगे डिनोमिनेटर जितना ज्यादा बड़ा होगा ओवरऑल वैल्यू उतनी ज्यादा छोटी होगी, तो यहां पर डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है तो ओवरऑल वैल्यू बहुत छोटी है, तो यह काट दो, है ना। यहां पर डिनोमिनेटर बहुत छोटा है तो ओवरऑल वैल्यू बड़ा है इन चारों के कंपैरिजन में, है ना, तो इसको भी काट दो।
ये सबसे लोएस्ट वैल्यू है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है, ओवरऑल वैल्यू सबसे छोटी है। ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है और ये ओवरऑल वैल्यू सबसे बड़ी है इन चारों में से। तो बीच वाले कौन से हैं? बी और सी। तो बीच वाले में से आपको तुक्का लगाना है, बी और सी में से आपको यहाँ पर तुक्का लगाना है। क्या आपको बात समझ में आ रही? इसको कहते हैं हम लोग एक्सट्रीम ऑप्शन का एलिमिनेशन टेक्निक। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, आपका 1/5, 1/9, 1/6, 1/15, तो आप यू नो इस तरीके से डिनोमिनेटर्स को भी कंपेयर कर सकते हो। डिनोमिनेटर में जो सबसे बड़ा सबसे छोटा उसको काट दो, बीच वाले में से आप तुक्का लगा लो। तो ये साइकोलॉजी भी वर्क करती है, जैसे हमारा न्यूमरेटर में वर्क करता है वैसे हमारा इस सब क्वेश्चंस में डिनोमिनेटर में भी वर्क करता है। ठीक है, मतलब जहां हम कंपेयर कर सकते हैं बहुत इजीली, वहां वहां हमारा ये चीज जो है वर्क करता है। ठीक है, इन चार क्वेश्चंस को आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो, कमेंट में जाके बताओ कि आप इसमें क्या तुक्का लगाओगे। फर्स्ट में सीडी में से क्या चूज करोगे, सेकंड में बीसी में से क्या चूज करोगे, थर्ड में एबी में से क्या चूज करोगे। वीडियो को पॉज करके कमेंट में जाकर के बताओ, तब आपकी क्या उससे प्रैक्टिस होती है। ठीक है, मैं आपको भी इसके करेक्ट आंसर की भी बता देता हूं। तो जो हमको करेक्ट आंसर की दिया हुआ है वो हमको दिया हुआ है पहले का सी, पहले का हमको दिया हुआ है सी 30, पहले का हमको दिया हुआ है सी 30, दूसरे का दिया हुआ है बी 1.0, दूसरे का हमको दिया हुआ है बी 1.0, तीसरे काम को दिया हुआ है ए 2v, तीसरे काम को दिया हुआ है ए 2v, ठीक है, और चौथे काम को दिया हुआ है बी d²/9d, चौथे का दिया हुआ है हमको बी। ठीक है, चौथे काम को दिया हुआ है बी। सो द करेक्ट आंसर गिवन इज CBAB, ये हमको करेक्ट आंसर की इसके दिए हुए हैं। 98% केसेस में जो आंसर की दिया होता है बुक में वो सही होता है, 1-2% केसेस में आंसर की गलत होता है। ठीक है, तो हो सकता है बुक में अगर कभी गलत है तो मैं आपको आके गलत आंसर की बता दूं। तो मैं यही आपको एडवाइस करता हूं कि जो भी आंसर की मैं बताता हूं आप खुद से वेरीफाई कर लेना, खुद से सॉल्व कर लेना, क्योंकि जब मैं ट्रिक्स लगाता हूं, तुक्के लगाता हूं, तो मैं आंसर की सॉल्व करके चेक नहीं करता हूं, मैं बस तुक्के लगा के आंसर की से वेरीफाई करके आपके सामने आके वीडियो बनाता हूं। तो कभी कभी हो सकता है बहुत रेयर केसेस में कि आंसर की ही गलत हो बुक की, तो मैं आपको आकर के गलत बता दूं। तो आप लोग को अगर कुछ भी डाउट होता है सॉल्यूशंस में, आंसर्स में, तो आप खुद के एंड से वेरीफाई जरूर से कर लिया करो। बाकी हमेशा ध्यान रखना यार, ट्रिक्स आपके हमेशा काम नहीं करेंगे। ठीक है, 10 में से 1-2 बार आपका एलिमिनेशन टेक्निक्स जो मैं बताता हूं फेल होगा ही होगा। ठीक है, उससे ज्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारा टारगेट तो बस ये है कि 10 में से हम 5 क्वेश्चन सही कर दे, 4 क्वेश्चन सही कर दे, बहुत है। क्योंकि एक एवरेज बच्चा 10 में से 2 या 3 ही क्वेश्चन सही कर पाता है, हमें उसको बीट करना है। ठीक है, जो बच्चा ट्रिक सीख के नहीं जाता है वो 2-3 ही सही कर पाता है मैक्सिमम। आप सीख के जाओगे तो आप 4-5 सही कर लोगे, कुछ अच्छे केसेस में आप 6-7 भी सही कर लोगे। तो हमारा उतना ही टारगेट है, उसी से बहुत अच्छा बूस्ट मिल जाता है। सोचो ना, आप अगर 10 में से 1 बच्चा 2 कर पा रहा है और आप वहां पर 4 कर पा रहे हो, तो 100 में से जो 20 कर पा रहा है आप वहां पे 40 कर पा रहे हो। तो आपका सोचो कितने बड़ा आपका डिफरेंस क्रिएट होगा। 100 में से कोई 20 लाएगा, आप वहां 100 में से 40 लाओगे। समझ रहे हो बात को? 20 नंबर से आप ओवरटेक कर लोगे किसी ऐसे बच्चे को जो तुक्का लगाने के पहले आपके बराबर था। ठीक है, समझ रहे? MHT CET में मान लो 100 मार्क्स आपने भी सॉल्व किया, 100 मार्क्स आपके कंपटीटर्स ने भी सॉल्व किया। कंपटीटर्स आपके जो है 100 से कहां पहुंचेंगे, 120 पे, 125 पे आप पहुंच जाओगे, 140 पे। समझ रहे हो? ओवरटेक कर लोगे। आप अगर उनसे थोड़ा सा पीछे भी होगे तो भी आप ओवरटेक करके उनके आगे पहुंच सकते हो। समझ रहे हो? आप अगर 100 की जगह अगर मान लो 90 ही सॉल्व किए तो भी आप उनसे आगे पहुंच सकते हो, अगर आप बेटर तुक्के लगा लो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सारी चीज समझना। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपके इन 4 में से कितने सही हुए। मेरे को लगता है मैक्सिमम बच्चों के 4 में से 2 मिनिमम सही हो गए होंगे यहां पे, क्योंकि 50-50 प्रोबेबिलिटी है। कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके 4 में से कितने सही हुए। ठीक है, आप सबके कमेंट्स का मेरे को जो है इंतजार रहेगा। ठीक है ना, बाकी तो बस यही बात है। तो यार, आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।